रांझना फेम डायरेक्टर आनंद एल राय का कहना है कि वो शाहरुख खान के साथ एक रोमांटिक फिल्म बनाना चाहते हैं। आनंद एल राय का कहना है कि शाहरुख खान बॉलीवुड के रोमांस किंग हैं। ऐसे में वो उनके साथ एक रोमांटिक फिल्म जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं और इसी सिलसिले में वो शाहरुख से मिलने भी वाले हैं। लास्ट ईयर मुंबई फिल्म फेस्टिवल फंड क्रंच की वजह से काफी मुश्किलों में घिरा हुआ था, लेकिन इस साल सेलिब्रिटीज अभी से मुंबई फिल्म फेस्टिवल को सपोर्ट कर रहे हैं और जूम को खबर मिली है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक स्पेशल वीडियो शूट कर रहे हैं जहां वो यंग फिल्म मेकर से फिल्म फेस्टिवल के लिए शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए कहेंगे। सोर्सेज की माने तो फिल्म डॉली की डोली फेम डायरेक्टर अभिषेक डोगरा एक रोड फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें अली जफर और हुमा कुरैशी इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे। अली जफर इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर हैं काफी एक्साइटेड। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो फिल्म बजरंगी भाईजान के मेकर्स अब प्री इंडिपेंडेंस डे रिलीज के बारे में सोच रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो सलमान खान की ये फिल्म अक्षय कुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर दो दोहात करेगी। वेल, देखने वाली बात ये होगी कि क्या करण जौहर सलमान खान के साथ फिल्म रिलीज करने का फैसला करते हैं। खबरों की माने तो अपने प्रोडक्शन में बन रही फिल्म हीरो में सलमान खान एक नहीं बल्कि दो दो गाने गाएंगे। जी हाँ, इन दोनों सॉन्ग्स को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर ने कंपोज किया है और इन दोनों ही सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग सलमान खान ने कंप्लीट कर ली है। फिल्म बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स ने अपनी इस फिल्म को पायरेसी से बचाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तमाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आदेश दिया है कि वो इस फिल्म से जुड़े कंटेंट को बिना फिल्म के मेकर्स की इजाजत के इंटरनेट पर आने से रोके। साथ ही कोर्ट ने कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इस मामले में अलर्ट रहने के लिए कहा है। सलमान खान के लिए आर्म्स एक्ट केस में एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सलमान खान की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने विटनेस को री एग्जामिन करने की बात कही थी। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोर्ट का डिसीजन सलमान खान के लिए बड़ा सेटबैक है।